तो हे गाइस टू वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में आ चुके अपने लॉट के पास। तो गाइस आज छोड़ना रिकॉर्ड, और गाइस आज का तीसरा दिन, और तीसरे दिन भी आज हम देंगे सुकाई छोड़ते कबूतर। चैनल पे जो भी नया चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करो। चलो गाइस ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको पता ही है कल क्या हुआ है। तो सबको हमने लहसुन की कलियां खिला दी थी, और मुर्गा देखो कितना शोर करता है। और पहले खोलती है बड़ी पेटी, और देखो गाइस आते ही क्या हो गया, ये निकल गया, और ये मेरे को फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये जाएंगे अपने कबूतर, आज गंदगी है क्या नहीं। चलो 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 चलो। अरे 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 मैडम जी बराबर जाने का। और ये भी रह गए हैं, इनको भी छोड़ना पड़ता है। ये देखो ये निकले बाहर। चलो 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 चलो। अब पियेंगे पानी गिनी, और फिर डालूंगा दाना और सब। और ये देखो ये बगड़े देखो कहाँ पर बैठ गया, देख सकते हो अपने घर के पास। और ये है कबूतर, ये लपक चुका है अपने कबूतर को देख के। ऐसे मैं कब बोलूँगा गाइस, और मेरे गांव कबूतर आती ही नहीं किसकी, इसकी वजह से मैं पकड़ता नहीं गाइस। लेकिन मेरे चले जाते हैं पर उनके नहीं आते, क्या करें अब। तो मैं डालता हूँ इनको दाना, अंदर ही डालना पड़ता है क्योंकि बिल्ली का टाइम हो चुका है आने जाने का, और मुर्गियाँ भी इनको खाने नहीं देती, इसकी वजह से हम इधर ही डाल रहे हैं। और इनका दाना पानी होने देते हैं, उसके बाद जो अपनी उड़ान के पट्टे है। तो ये देखो महाशय को भी पंख आ रहे हैं, तो कैसा उड़ रहा है। और उड़ मतलब उनको सुकाई देना पड़ता है, आपको पता ही है हम इधर सुकाई देते हैं। तो इनका पहले दाना पानी होने देते हैं, और दाना पानी होने के बाद गाइस देख सकते हो पूरा खतरनाक है। और बताना गाइस इन दोनों को एक साथ उड़ाऊ के एक एक उड़ाऊ, वो मेरे को मादी पर भरोसा नहीं है क्योंकि मादियाँ भाग जाती, इसके वजह से मैं उड़ाता नहीं। तो इस बार देखेंगे गाइस मेरी फट तो रही है उड़ाने की, क्योंकि इतने महंगे मैंने जोड़े लाए, कितने के आपको पता है बहुत महंगे लाए हैं। और अपना शेरू देखो उधर के साइड है, और जो बगड़ा था वो भाग गया है, और शेरू उधर है। और मुर्गा देखो गाइस, ये डेढ़ साल का मुर्गा है मेरे घर, और मुर्गिया अभी अभी के पट्टे नीचे। तो मैं आपको रैबिट भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं देखे आज, तो चलो आपको रैबिट दिखाता हूँ। इनका भी दाना मैंने रख दिया है, आपको पता है ये दाना क्या है। और गाइस आज भी इनके बच्चे नहीं है, मुझे लगा बच्चे दे दिए होंगे पर नहीं दिए, कब तक देंगे पता नहीं, देंगे जल्दी देंगे। और ये देखो ये भी देखो गाइस, इसमें सबसे बड़ा ये ब्लैक वाला है, और सिर्फ और सबसे छोटा वो वाला, आपको दिख ही रहा होगा कौन सा छोटा है। तो देख सकते हो ये अभी भी दाना खा रहे, ख़त्म होने का ही इनका। और अब देखना मैं छोड़ूंगा तो ये पानी पे आएंगे, ये देखो अब आएंगे पानी पीने को। अभी भी इनका दाना बचा है ना, इसके वजह से वो खा रहे हैं पी रहे हैं। और शेरू भी आ गया, शेरू चल आ जा भाई वीडियो में। ये देखो ये भी महाशय आ गया, देख रहा है कबूतर को, ये देखो मोटा कबूतर। और सुकाई आज भी देने वाले, अभी का टाइम बच चुका है गाइस, 12:30 हो चुके हैं, और 12:30 बजे आज मैंने कबूतर छोड़े क्योंकि मेरा कॉलेज है, इसके वजह से मैं सुबह इनको सुकाई नहीं दे पाता क्योंकि 7 बजे जाना पड़ता है, इसके वजह से नहीं दे पाते टाइम। तो मैं एक टाइम तो आज से मैं क्या करता हूँ गाइस, मतलब इन कबूतर इन दोनों को सुकाई रहती है, और मैं कबूतर अब खुले रखता हूँ इधर पानी की नहीं, मतलब क्योंकि इनकी हालत भी डाउन हो जाती है, हड्डी निकलती है एक टाइम छोड़ता हूँ तो इसकी वजह से मुझे भी डर लगता है सूखे में जाने की। तो इसकी वजह से हम इनको अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि अंदर रहेंगे तो दाना पानी बराबर करेंगे, इसकी वजह से अच्छे रहेंगे। तो आज का है शनिवार, हाँ तो गाइस सोमवार के दिन मैं इनके पंख छोड़ूंगा या नहीं आपको मैं बताऊँगा ही रविवार के दिन को, क्योंकि अब मेरे को मकबूबे वाले काका को पूछना पड़ेगा कि अब छोड़ दूँ क्या, क्योंकि एक हफ्ता हो जाएगा अपने को सुकाई देने हुए। तो देखते हैं कब, और मेरे पास मतलब ये भागेंगे तो मेरे पास मेरे घर के पट कोई भी कबूतर उड़ने वाले है नहीं, क्योंकि सभी कबूतर पे कतरी मारी है, आपको पता ही है क्योंकि सिकरे के वजह से हमने कतरी मार दी थी, और सभी कबूतर अब कतरी वाले ही है, सिर्फ वही जोड़ा पिंज मतलब पट्टी पे है, और पट्टी छोड़ देंगे वो चला जाएगा तो हम उनको नीचे नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उड़ान वाले कबूतर एक बार बंद हो गए तो वो जल्दी आते नहीं, और शिकरे का टाइम है तो मैं उनको एक बार पूछूंगा, और उसके बाद उड़ा के देखूंगा, और आधा एक घंटा उड़ाऊंगा और फिर
इनके पंख काटने को बोलेंगे तो काटूंगा, नहीं तो रहने दूंगा। और गाइस इस मादी का मुझे अभी भी पता नहीं कि ये इनका जोड़ा लग गया है या नहीं। और ये देखो अब गटर रहा है गाइस, पर ये अपने बाप पर गटर रहा है, मादी पर नहीं गटर रहा है। देखो ये देखो बाप पे गटर रहा है। और ये अभी भी मारा पीटी इनकी चालू रही थी, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जब कबूतर अंदर डालूंगा। और ये देखो ये मिट्टी खा रहे हैं, और उधर के साइड ही बिल्ली बिल्ली आ जाती है, इसकी वजह से डर लगता है। तो अपना दाना ख़त्म हो चुका है, मैंने आज भी दाना नहीं लाया, तो ये डाल दिया इधर अंदर। अब जाएंगे अंदर और मैं पानी का भी रख देता हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना पड़ता है, रिस्क लोगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और इस पट्टी की हालत अभी भी सुधरने की है, तो पानी रखता हूँ इधर के साइड, मतलब इनका दाना भी खाना होता है। और गाइस ये नहाएंगे भी मुझे ऐसा लगता है। और ये महाशय देखो, ये पट्टा देखो, इस पट्टे को हम इधर से उड़ाने देखेंगे ये नीचे आ पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, फ्लाइंग करेगा 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 करेगा? ये देखो अरे बाप रे। और गाइस एक खासियत जिसकी मुझे अच्छी लग रही है कि ये देखो टक टक बजा रहा है, देखना अब देखना टक टक बजाएंगे, देखो तारा पिल्लू है गाइस, ऐसा वैसा आया है, थोड़ा थोड़ा तो बजा रहा है, मतलब बड़ा होगा बाप के जैसा ही होगा टक टक। और ये बड़ा कबूतर होगा मुझे ऐसा लगता है। और गाइस वो ब्लैक आँखें में निकलेगा, उसको कलेन की आँखें बोलते हैं, आपको पता ही है कौन सी आँखें। और ज़्यादा करके कबूतर में क्या होता है, जिनका बाप उस आँखें का होता है वही ज़्यादा उनके बच्चे निकलते हैं। तो देखते हैं वो बच्चा क्या टाइमिंग देता है। तो अभी तो नहीं उड़ाएंगे उनको, धूप काले में उड़ाएंगे क्योंकि अभी शिकरे का टाइम चालू है, पर अभी मुझे शिकरा दिख नहीं रहा। और इसको भी पंख आ रहे गाइस, इसको और इसको भी उड़ाएंगे, देखेंगे ये उड़ान भूल गया क्या। तो क्योंकि होता है, क्योंकि वो बचपन से उड़ा नहीं है तो कबूतर भूल जाता है उड़ान का, जैसे कि मोटा कबूतर मतलब 4-5 महीने उड़ा ही नहीं, आपको पता है 4-5 महीने नहीं उड़ा। और उसके बाद उड़ा तो अच्छे ही उड़ रहा है, अभी भी उड़ ही रहा है। और अभी इसके पंख कटे हैं, इसके वजह से हम नहीं उड़ा रहे। ये देखो ये भी बाहर निकल रहा है, इनका हो जाएगा तो इनको मैं अंदर रख दूंगा, और बाकी सब कबूतर खुले रखूंगा क्योंकि खुले भी रखने पड़ते हैं। और पानी पी रहा है देखो गाइस पट्टा, तो जो सूखे में आता है वो पानी पीता है या नहीं आप वो भी बताना। कबूतर बाहर निकल गए, और इनको भी मैंने इधर छतरी पर अपने लगा दिया है। तो ये थोड़े से ऐसे देखो कैसे खतरनाक ऐसे मतलब रिएक्शन दे रहे हैं कि कोई जानवर आया है, तो मैं अंदर ही डाल देता हूँ। आपको पता है मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए पर कभी कभी लेना चाहिए। और ये देखो अब पंख होता तो ये उड़ के चला जाता था, तो अब गए ये अंदर। और गाइस अब नेक्स्ट वीडियो आएगा ना वो कैसे आएगा पता है, ये मेरा जागचीने का जोड़ा है, उनका मैं हम नाम रखने वाले, जागचीना नहीं बोलने वाले इनका, मैं हमारे इधर जो बोलते हैं वैसा नाम हम रखने वाले। तो नेक्स्ट वीडियो में बताना गाइस इनका नाम रखूँ या ना रखूँ। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और सुखा इनको दे दी है, तो अब ये रहेंगे कितने बजे तक, 4-4:30 बजे तक ये अब इधर ही रहेंगे, धूप खाएंगे, और अपनी ये कबूतर भी इधर ही रहेंगे। ये मतलब ये इनको देखेंगे और ये इनको देखेंगे। और देखो इनका नहाना भी चालू हो चुका है, मुझे पता है ये नहाते हैं, और मैं भी नहाने को कोई ये नहाने देता हूँ क्योंकि अब इनके अंडे बच्चे हैं नहीं, इसके वजह से हम नहाने देते हैं। और आपको पता है जो अंडे देने वाली मादी थी वो अपने पास नहीं है, क्योंकि वो खतरनाक मादी थी, अभी अपने पास अंडे नहीं है और बच्चे भी नहीं है। तो गाइस चैनल पे जो भी नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करो। तो गाइस बताना फुल मतलब ये जागचीने का जोड़ा है तो इसका नाम मैं रखूँ या ना रखूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो गाइस बाय।